आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक अंतर्गत आज भी एक गांव ऐसा है जहां आज तक गांव में ना सड़क है ना नाला पार करने के लिए पुल। लोग पगडंडी के सहारे पुल पार करने को मजबूर हैं। इस गांव की आबादी लगभग 1000 है, लेकिन गांव में सुविधाओं का टोटा है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले का एक छोटा सा गांव जिसकी आबादी हजारों की संख्या में है, लेकिन गांव में सुविधाओं का भारी अभाव है। दरअसल जिस शख्स को लोग चारपाई पर ले जा रहे हैं, इस बुजुर्ग की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसे अस्पताल से परिजन चारपाई के सहारे घर ले जा रहे हैं, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल परेशान करने वाली यह तस्वीर ग्राम पंचायत खैरा भाटापारा गांव की है। गांव में स्वास्थ्य सेवा ना होने की वजह से मरीज को डॉक्टर से इलाज कराने के लिए शहर में ले जाना पड़ता है। वहीं गांव में सड़क ना होने की वजह से कोई बस या घोड़ा गाड़ी गांव में नहीं आती है, इसलिए मरीज को अस्पताल ले जाना हो या फिर गांव में किसी के घर मेहमान को आना हो या बच्चों को स्कूल जाना हो तो सभी लोग इसी रास्ते से पैदल चलकर आना जाना करते हैं। 21वीं सदी में भी इस तरह की तस्वीरें सरकार के उन दावों को चुनौती देती है जिनके द्वारा गांव से लेकर शहर तक विकास करने की बात कही जाती है। इस गांव के लोग 4 से 5 किलोमीटर चलकर इसी तरह अपना सफर पूरा करते हैं। गांव के हजारों लोग परेशान हैं, लेकिन सरकारी अमला अनजान है। सरकार के इसी उदासीनता के कारण खैरा भाटापारा ग्राम के ग्रामीण बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मेरा गांव है खैरा और मैं खैरा के निवासी हूं, और देख लो हम लोग किस तरह से गुजर रहे हैं, है ना। पूरा नाला टपा टप भरा हुआ है और छोटा सा लकड़ी को हम लोग रख दिए हैं, और उसमें अगर बच्चे लोग भी कहां से नहक पाएगा है। और जो नहर पार है, अमोरा से खैरा आना है, अब किस तरह से आना है, पूरा कीचड़ में पूरा भरा हुआ है। और एक जन बुजुर्ग आज गुजर गया है, अब उसको खंधे में 4-5 आदमी बोकर लाए खाट में है, तो हम लोग जिए तो जिए कैसे। ये तो बहुत बहुत दिन हो गया है, 5 साल हो गया है, मगर वैसी वो पड़ा हुआ है पुल, न तो पुल बन पा रहा है न तो कुछ नहीं। चारों तरफ नाला है, सिर्फ खाली हम लोग अब एक तरफ है जाने का अमोरा, और खारा तो डूब जाता है पानी में, अरे तो चलता नहीं है, पैदल ले जाओ। और पूरा नहर पर पूरा कीचड़ है, और कम से कम 5 किलोमीटर है अमोरा से खारा। और शासन प्रशासन तो कुछ ध्यान ही नहीं देता है, आवेदन देते हैं, सरपंच को भी देते हैं, मगर सरपंच कुछ नहीं, न तो सरपंच बनाता है न तो पंच बनाता है, सिर्फ खाली अपना जेब को देखते हैं, बाकी कुछ नहीं करता है। अब मार डाले जी। जांजगीर से यहाँ खैरा 16 किलोमीटर पड़ता है, और मैं अपना पर्चा देना चाहूँगा। मैं टीकम कश्यप, ग्राम खैरा से, और ये भाटापारा का स्थिति आप लोग देख रहे हैं। अभी एक बुजुर्ग का मृत्यु हो गया जिसको 5 किलोमीटर से खाट से बो के अमोरा से लाया गया है, और जो कि यहाँ प्रशासन से कोई यहाँ सुविधा नहीं मिल रहा है। यहाँ भाटापारे वाले बदतर जिंदगी जी रहे हैं, कीचड़ से भरा हुआ है, लबालाब है, आने जाने का रास्ता नहीं है, बच्चों को पढ़ने जाने में बहुत असुविधा है। यहाँ 4 नाला है जो कि बस्ती का नाला का पुल बन चुका है, जो भाटापारा और बस्ती को जोड़ता है, एक नाला उसमें भी पुल नहीं बना है। और यहाँ पढ़ने लिखने जाने के लिए अमोरा जाना पड़ता है बच्चों को, जो कि 5 किलोमीटर है, और एकदम कीचड़ भरा रास्ता हुआ है, नहर से लगा हुआ है, साइड में एकदम काटा है, जो कि बच्चे पैदल वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, और सुविधा के अभाव में यहाँ बदतर जिंदगी जी रहे हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है उसको खाट में उठाकर 5 किलोमीटर अमोरा ले जाया जाता है, उसके बाद फिर कहीं हॉस्पिटल पहुँचाने का एक साधन मिल पाता है। अगर खैरा बस्ती से जांजगीर ले जाया जाता है तो बीच में नाला पड़ता है, उसमें भी बाढ़ आया होता रहता है, तो इसलिए उस उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। खाट में उठाकर मरीज को ले जाते हैं, और यहाँ तो ऐसा हो गया है कि ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ बसे हुए लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, जो भी जैसे भी हैं। लेकिन प्रशासन से निवेदन है कि ये लोग इन लोगों को सर्व सुविधा दिलाने की कोशिश करें, ताकि ये लोग ही इंसानियत की तरह जी सकें।
धन्यवाद जी। आज़ादी तो 75 साल हो गए लेकिन मूल सुविधा यहाँ खैरा लोगों को नहीं मिल पाया है। मैं छत्तीसगढ़ में घूमा हूँ, हर जगह सब सुख सुविधा, सड़क, रोड, बिजली, पानी सब चीज़ पहुँच गए, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है कि हमारे ग्राम खैरा में अभी तक रोड का सुविधा नहीं मिल पाया है। प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि यहाँ भी रोड सुविधा देने की कृपा करें, नाला में पुल बनवाने की सुविधा देने की कृपा करें। पुल तो अधूरा बना हुआ है, अधूरा पाया खड़ा करके छोड़ दिए हैं, अभी तक नहीं बन पाया है। कितने दिन हो गए? वो लगभग 2-3 साल हो गया, पाया खड़ा करके छोड़ दिए हैं। उसके बाद उसके छत गायब है, छत अभी तक नहीं ढला हुआ है। आप वहाँ नाला पर जाकर देखेंगे कैसे मतलब लोग एक खतरा मोल लेकर वहाँ से पार कर रहे हैं। सोसाइटी का चावल खैरा भाटा बस्ती में मिलता है, लेकिन उसी से गुजरते हैं, उसी रास्ते से किसी का चावल नाला में गिर जाता है। बच्चे लोग जाते हैं तो कभी कभी मतलब नाला में गिर जाते हैं। प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि वहां पुल बंधवाया जाए जल्द से जल्द, और यहां रोड का सुविधा दिया जाए भाटा पार लोगों को। पंच लोगों को कई बार यहां बोला जाता है कि आप लोग अवगत कराया जाता है कि यहां आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, तो कोई ध्यान नहीं देता, विधायक लोग भी को भी अवगत कराया जाता है तो वो लोग भी ध्यान नहीं देते। हमारे को तो बहुत बड़ी समस्या हो रही, देखो हमारे नारायण सेवक नाम है मोर। अब मोरा से 5 किलोमीटर रह दे समस्या, पूरा चिखला उखला है। अब उन समस्या ला का बताए, पूरा देखा था आप मन, पूरा एकदम चिखला खटियम बोक लेगा थन। मोर बाबू जी ख़त्म हो गए है, बस बहुत ज़्यादा समस्या है एकदम से। पूरा हालत ला देखा था हमन के, पूरा सब ज़्यादा बहुत प्रसारण से वही कहना चाहता था ना, ये मैं ध्यान देवा हमारा सोचिए झन कर आज हमारे पिताजी तकलीफ दुख ला समझा, और कोई अगला आदमी के होई तो वो मरना हो जाए ही बेचारा मन के। अब इलेक्शन जी खटियम बो के नाना था मन के स्थिति हो गया, जचकी वाला हाथ पैर टूट गया, कुछ भी बुखार कुछ भी। केएसएन 24 न्यूज़ के लिए जांजगीर नवागढ़ से राम नगारची की रिपोर्ट।